जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र ऐसे चैनल पे जहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी की जुड़ी हर समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सरल आसान सा उपाय बताए जाते हैं, ताकि इन उपायों को कोई भी व्यक्ति कर सके और अपनी ज़िंदगी को खुशमय और सुखाल बना सके। अगर आज के दौर में समस्याएँ बड़ी है मित्रों, तो याद रखिए इनका जो समाधान है वह बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन हमें सबसे अहम चीज़ होती है उन समस्याओं के समाधान को जानना। इसके लिए अगर हम सही रूप से और सही तरीके से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जो भी समस्याएं आज के समय में हैं, चाहे प्यार से संबंधित हो या फिर अपना शारीरिक संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार से घर परिवार से लेकर व्यापार व्यवसाय तक, हर समस्याओं के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही ऐसे कर्म बताए गए हैं जिन्हें करने से वो समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होगी, अर्थात आपका जीवन सुखमय व्यतीत होते रहेगा। आप बीवी का सुख पा सकेंगे, बच्चे का सुख पा सकेंगे, घर परिवार का सुख, माँ बाप का सुख, भाई बहन का सुख, नौकरी का सुख, व्यवसाय का सुख, व्यापार का सुख, 12 सुखों की सभी सुखों को आप भोग सकते हैं। इसके लिए हमारे प्राचीन से प्राचीन महान सिद्धों ने बहुत ही गुप्त चीज़ों को बता कर रखा है और रहस्य में इसे छुपा कर रख दिया है। यह सब चीज़ें प्रकृति में दबी हुई है, याद रखिएगा, प्रकृति में दबी हुई चीज़ें उन्हीं व्यक्ति या उन्हीं लोगों को मिलती है जिन पे माँ प्रकृति, माँ भगवती की असीम कृपा होती है, और उस तक पहुँचने के लिए बहुत साधना और तपस्या करनी पड़ती है। और इन साधनाओं और तपस्याओं के जरिए हमारे सिद्धों ने ऐसे कई गुप्त रहस्यों को जाना है, लेकिन इन रहस्यों को उन्होंने सार्वजनिक कदापि नहीं किया। इन्हें किसी भी रूप में, बीज रूप में, मंत्रों के रूप में या फिर अन्य रूपों में छुपा कर रख दिया है। तभी आप बीज मंत्रों को बीज मंत्र क्यों कहा जाता है? बीज मंत्र अर्थात ऐसा मंत्र होता है जिसके अंदर एक विशाल पेड़, जिस तरह से एक छोटे से बीज के अंदर विशाल का पेड़ छुपा होता है, जब आप उसे बोएंगे वह बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि उस विशाल वृक्ष को देखकर आप तब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक छोटा सा बीज था। उसी तरह इन बीज के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ छुपा कर रखी हुई है जिनसे कर लेने मात्र से आप अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पढ़ लेने मात्र से या सुन लेने मात्र से। तो आज मैं आपको एक बहुत ही गुप्त छुपा हुआ रहस्य बताऊंगा। यह रहस्य संतों या सिद्धों के सानिध्य में रहकर ही समझ पाएंगे। इस गुप्त मंत्र को आपको मैं गुरु मंत्र की तरह दे रहा हूँ। इस मंत्र को सबसे पहले सोकर उठने से पहले, याद रखिएगा, उठने की आदत आपको सूर्य उदय से पहले करनी होगी। सूर्य उदय से पहले अगर नहीं भी उठ पाते हैं तो एक बार अलार्म भरकर सूर्य उदय से पहले उठिए। इस मंत्र को सिर्फ 7 बार जाप कीजिए, अपनी हथेलियों को देखिए, हथेलियों को चूमिए, उसके बाद फिर से सो जाइए अगर नहीं उठने की आदत है तो, अन्यथा सूर्य उदय से पहले उठना अति उत्तम होता है। इस गुरु मंत्र को सिर्फ 7 बार जाप करना है। इस गुरु मंत्र में एक प्रार्थना है, जितने भी ब्रह्मांड में सात्विक देवी देव मानते हैं हम, या फिर अपनी खुदा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिस ऊर्जा को मानते हैं हम, उसके प्रति एक निवेदन है, प्रार्थना है। और इस निवेदन और प्रार्थना में इतनी शक्ति इस मंत्र में कि आपके पूरे के पूरे प्रारब्ध भोग, अर्थात जिसे आप किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, उस भाग्य को बदल देगा। तो इसे करने से पहले याद रखिएगा, इस पर अटूट श्रद्धा जरूर रखिएगा, विश्वास रखिएगा, और प्रतिदिन इसको करना है। किसी भी जगह हो, कहीं पे भी हो, इस प्रार्थना को प्रतिदिन करना है। तो इस प्रकार मंत्र है, उसे ध्यान से सुनिए। ओम सर्वदैव दैवान्यै नमः, मम सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु, ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट स्वाहा। सही तरीके से सुनिएगा और सही तरीके से ध्यान दीजिए। ओम सर्वदैव दैवान्यै नमः, मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु, ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट स्वाहा। मंत्र जब जाप करें तो बोल कर ही जाप करें और धीरे धीरे से बोलें, एक एक शब्द को अच्छे से बोलें। याद रखना, मंत्रों को बोलने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि यह बीज है, बीजों में छुपी हुई शक्तियां हैं जो जागृत होगी।
अब मैंने आपको एक चीज बोला था मित्रों, श्रद्धा, श्रद्धा होती है आपकी भावना, और श्रद्धा की भावना क्या होती है कि किसी भी चीज पर अटूट विश्वास रखना ही श्रद्धा है। तो जब इसे करें तो इस विधि पर, इस उपाय पर संपूर्ण श्रद्धा रखकर करें, और उसके बाद देखिए आपकी किस्मत किस तरह से बदलने लग जाएगी। यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अचूक गुरु मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर फिर भी कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको वाकई में जिंदगी की सही राह के लिए ज़रूरत है। जय जय माता दी मित्रों।